चलो मिलते हैं कल। ठीक है भाई, कैसा लगा काम करके? एकदम मस्त लगा। तो कल से अकेला जाना है तुमको, और सर से बात हो गया, सर बोले कि चले जाना। चलो ये वाला हाँ हाँ बांट लेगा पूरा। देखिए ट्रेनिंग में पूरा सिखा रहा हूँ, सब सीख गया था। ठीक, इसी तरह से एक्सचेंज पार्सल जितना भी आएगा ना ऐसे ही लेना है सामान देख के। गेट बंद कर दो, वो जाके यास करना है, नहीं देखा है सामान तो नो करना है। रिक्स इसमें भी है एक्सचेंज, मोबाइल वगैरह आता है ना तो उसमें बहन कर रिक्स रखता है भाई। इधर बड़ा बड़ा पार्सल जो है ना इधर रखा जाता है, कैसे जाती है छाटो जल्दी जल्दी। चलो आज दूसरा दिन है, चलो पार्सल छाटो। पूरा गन मार लिए ना, जाओ बोलो तुम मलिक के आगे चढ़ाने के लिए, चढ़ा लिया। कितना काम सीख गए हो? लगभग काम तो सीख ही गया हूँ बस। तो अभी जो है ना समस्या क्या आता है एक बार देखो, ले करते रहा नाम, जय श्री राम जय श्री राम। फिलहाल दोस्तों मैं नहा धोवा के तैयार होकर आ चुका था पुलिया के ऊपर, और दोस्तों फिलहाल अभी जा रहा हूँ अमेजोन ऑफिस, देखता हूँ कितना पार्सल मिलता है। जितना अधिक पार्सल मिलेगा उतना अधिक डिलीवरी करूँगा और उतना अधिक पैसा जो है मैं कमाने वाला हूँ। तो आज दोस्तों दूसरा दिन है डिलीवरी बॉय जो ट्रेनिंग वाला, क्योंकि कल एक भाई को काम सिखाया था, तो कल था पहला दिन और आज है दूसरा दिन। मैं सोच रहा हूँ ना आज के अंदर पूरा काम जो है भाई को सिखा दूंगा, ताकि तीसरा दिन से जो है ना भाई काम करना स्टार्ट कर दे, ताकि उसका भी कुछ पैसा जो है बनना स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा इस ब्लॉग पे बने रहेगा। और हाँ दोस्तों आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, जो भी भाई लोग को सीखना था काम डिलीवरी बॉय ट्रेनिंग कैसा होता है, कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बिना किसी देरी के अगर भाई साहब आ गए हैं काम करने के लिए तो पूरा आज सिखा दूंगा, नहीं आएंगे तो क्या ही कर सकता हूँ। फटाफट से छाट लेता हूँ पार्सल, यहीं पर लगाऊंगा अपना बाइक। देखता हूँ कितना पार्सल मिलता है और भाई आ रहा है कि नहीं। क्या हाल चाल है? वो लड़का तो अभी तक पहुँचा नहीं है। सर जी क्या हो गया है? जिसको मैं काम सिखाने वाला हूँ वो लड़का किसी नहीं आया है। कब? चलो आज दूसरा दिन है, चलो पार्सल छाटो। पार्सल जो है ना छाट लिया हूँ, एक बैग हो चुका है और एक कार्टून में थोड़ा सा। अरे मेरा किला सर किला। चलो भाई ले चलो लेकर आओ। एक एक को गन मारना है, बैक से लेके आओ। डाल दो पूरा। हाँ एक एक करके पूरा। अब वहाँ पे जाके बोलो कि गन चाहिए पार्सल चढ़ाना है, ले लो वहाँ से ले लो। सब कुछ सिखाना है आके कैसे क्या करना है। कल जैसे गन मारे थे ना, सबको मारो गन, गन मार मार के उधर रखना ना, हाँ मिलाना मत। हाँ सब फटाफट से बैठ जाओ, आराम से मारो एक एक करके। भाई इधर बड़ा बड़ा पार्सल जो है ना इधर रखा जाता है, कैसे जाती है छाटो जल्दी जल्दी। और विशाल भाई छाट छाट के सबका अलग अलग कर दे रहा है। और कहाँ है भाई? ये निशान कहाँ है? लो आप लोग क्या है कौन सा हुंडई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रहने देता हूँ, तब तक मेरा बढ़ जाएगा 12 बजे से पहले। मारो भाई सबको फटाफट से, पूरा गन मार लिए ना, जाओ बोलो कि मलिक के आगे चढ़ाने के लिए, चढ़ा लिया। चढ़ा दो। चलो भाई अब आ जाओ छाटने के लिए पार्सल एरिया। बैग के लिए बैग 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 ले आओ, एरिया के हिसाब से छाट लेते हैं फटाफट, इससे आसानी हो जाएगा पार्सल बांटने में है कि नहीं।
वो इस्टीमेट देता है कि कितना किलोमीटर तक चल सकता है। देखो पार्सल चढ़ चुका है, 50 पार्सल दिखा रहे हैं। ठीक, दो टू लोकेशन को पटांग दिया, ये रहा 50 पार्सल में हम लोग को जाना है कितना देर। हाँ रुक रुक, 41 जगह जाना है। चलो चलो भाई, अपना तैयारी हो चुका है, लटका लो भाई फटाक से, उसको ही पकड़ो ना, ये वाला पार्सल को ही पकड़ो और आओ। ठीक है, पकड़ लो उसको। चलो भाई अब चलते हैं बांटने के लिए, 50+ पार्सल है, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी से बांटने की, एक बड़ा पार्सल भी है साथ में। चलो चलो भाई, फर्स्ट स्टॉप पे आ गया था पार्सल लेकर, ले लो पार्सल, ले लो ये है, स्कैन करो और वो घर में जाओ देने के लिए। देखो प्रीपेड है कि COD है, चेक कर लो। OTP वाला पार्सल होगा ना। लो स्कैन करो, आ जाओ पार्सल लेके, OTP वाला है, पे किया हुआ है पहले से। OTP लेना, पार्सल दे दिए हैं लेकिन लोकेशन जो है ना कहीं और बता रहा है, और डिलीवर करने के लिए जाना पड़ेगा उधर। हेलो, डायरेक्शन ऑन कर दिया हूँ, बैठो और बताना मेरे को, मैं चलाता हूँ बाइक, लोकेशन पे जाके ही अपडेट करना है। चलो भाई लोकेशन पे पहुँच गए हैं, अब मारने वाले हैं डिलीवर। स्कैन हो गया है, बैक करो फिर से। फिर स्कैन, तो स्वाइप करो, OTP मांग रहे हैं ना। चलो OTP बता, आ जाओ साथ में, कॉल करो ना, मतलब कि भैया या फिर सर आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, आइएगा पार्सल लेकर आया था। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, बड़ा पार्सल बाइक चलाने में। हाँ हाँ करो, कॉल करो, हालांकि यही वाला घर है। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं कस्टमर। बैग को यहाँ पर रखो, ऊपर चढ़ के देके आते हैं। अरे घंटी काम करता भी है नहीं, कौन से घर का बज रहा है पता नहीं। हाँ वो पार्सल को ले लो। हाँ और कस्टमर का नंबर कैसे निकालते हैं, कल सिखाया था ना। चलो चलो ऊपर चलो, और ऊपर इसी घर का है पार्सल। है घर में, नीचे देखता हूँ, नीचे तो नहीं है। आ जाओ नीचे ही आ जाओ, वो तो बंद है ऊपर। तो नीचे भी तो रहता नहीं है यार कोई। बैग 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 बैग, यहाँ भूल जा रहे हो। चलो मैं इसको पकड़ के ले आ रहा हूँ, बैग लेकर आ। तो भाई कस्टमर के घर में तो कोई है नहीं, निकले भी कोई नहीं, ऊपर से नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर निकाल के भी कॉल कर लिया लेकिन कॉल रिसीव कर नहीं रहा। और बड़ा पार्सल है भाई, इसको साथ ले लेके घूम नहीं सकते हैं, दिक्कत आ जाएगा। तो सोच रहे कि इसको ना ऑफिस में छोड़ के आ जाता हूँ, है कि नहीं। चलो भाई बैठो, चलते हैं ऑफिस, छोड़ के आते हैं। यहाँ 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 इसको ऊपर रख दो, यहाँ पर मेरा ही पार्सल है। चलो बिना मतलब का भाई दोबारा आना पड़ गया ऑफिस। ये जैसे कस्टमर रिटर्न डालते हैं, रिटर्न पार्सल पसंद नहीं आया मेरे को, फिर मैं इसको नहीं लेना चाहता, रिटर्न डालता है तो उसको लेते हैं, उसके लिए ये पर्ची है, ये वाला पर्ची, ये वाला
इसको स्कैन करना है और कस्टमर से पार्सल लेना। चलो इसको भी दिखाऊंगा कैसे रिटर्न लेते हैं। ठीक, चलो भाई सेकंड कॉलोनी में आ गए थे पार्सल लेकर, जाओ देख रहा हूँ वहाँ पे देखना हाउस नंबर लिखा हुआ है ना, उसी हाउस में जाके घंटी बजाना है और कैश देंगे तो कैश, ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन। ठीक, तो अकेला जाओ, कल से अकेला जाओगे तो थोड़ा नर्वसनेस जो है ना वो कम हो जाएगा। तो भाई अकेला इसलिए भेज रहा हूँ ताकि उसको ना कल दिक्कत ना जाए, अकेला जाके हैंडल करेगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना अपने अंदर आ जाएगा। कल से तो शायद अकेला ही जाएगा पार्सल बांटने के लिए। कैश दिए हैं? हाँ। चेंज करना है क्या? नहीं यार, 99 का। अच्छा चलो, अच्छा लगा ना डिलीवर करके। पकड़ो इसको, आ जाए, यहीं बगल का ही है, देकर आते हैं। तो भाई सुबह से पार्सल बांट रहे हैं, अभी बहुत ही हुआ है मतलब कैश में, इससे पहले भाई ऑनलाइन ही जितना पार्सल दिए ऑनलाइन। आ जाओ, चलो देखो हाउस नंबर कितना लिखा हुआ है उस हाउस में। चलो सबसे पहले कस्टमर से ना बोलना है कि आप ऑनलाइन पे करेंगे या कैश करेंगे, ज़्यादा ऑनलाइन पे करवाना ताकि अपने पास पैसा ना रहे, सीधा डायरेक्ट कंपनी को पहुंच जाएगा, झमेला नहीं होगा पैसा का। खोल के अंदर चले जाओ, स्कैन कर लेना वहीं पे जाके। जाओ 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 जाओ, घंटी बजा दो, देख लो पे किया हुआ है। हाँ, तो वो जो जूता चप्पल है ना अलमारी खोल के उसमें रख दो, एक बार कॉल कर लो, आए कस्टमर घर पे रहते नहीं है, इन्फॉर्म कर दो कि पार्सल को रख दिया हूँ। चलो मैं ही रख दे रहा हूँ, कॉल कर लो कस्टमर को। चलो उठा रहे कि नहीं, नहीं उठाएंगे तो मैसेज कर देना ना कि आपका पार्सल जो है आपके जूता वाले अलमारी जो है उसमें छोड़ दिया हूँ। जब कस्टमर कॉल ना उठाए मैसेज करके रिप्लाई दे देना, रिप्लाई आ जाएगा। हाँ लिखो कि सर आपका पार्सल है, आपके जूता चप्पल जो रखता है ना उसी में छोड़ दिया, पार्सल ले लीजिएगा। आपको कॉल करने की कोशिश की, आप 2-3 बार कॉल कट कर दिए हैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ, इस टाइप से लिख के छोड़ दो। चलिए दोस्तों अपना काम जो है ना लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ का पार्सल लेकर आया था एक ही कस्टमर का, 4 पार्सल हुई प्रीपेड, सबको मारो फटाफट से। यहीं का लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा है क्या? जो हो रहा है उसको फटाफट से मारो। बैग भी खाली हो गया है, पार्सल नहीं है फिलहाल। भयंकर गर्मी लग रहा है। चलो भाई मात्र 5 पार्सल और बचा हुआ है, अरे भाई को सिखाऊंगा रिटर्न पिकअप कैसे लेते हैं। गेट को बंद कर दो, आ जाओ ये वाला, अब बंद कर दो कर दो, गाय बैल जो है ना भूत जाता है घर में। अभी चलो तुमको सिखाता हूँ रिटर्न पिकअप कैसे लेते हैं, क्योंकि लॉस जो आता है ना अधिकतर रिटर्न में ही आता है, सामान कुछ भी दे देते हैं और लेकर आ जाते हैं उसके बाद फिर लॉस भरना पड़ जाता है। चलो आगे जाना है। तो भाई रिटर्न पार्सल जो है ना उसको लेने के लिए आ गया था, इसी घर का है। कोई है नहीं है ना, पहले तुमको दिखा लेता हूँ। ये देखो जैसे कस्टमर का है ना रिटर्न, पहले एड्रेस पे जाना है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ होगा पिकअप, देखो नहीं इसमें, नहीं इसमें जाओ, इसमें देखो कहाँ दिखा रहा है, ये देखो पिकअप दिख रहा है ना, टू पिकअप, हाँ क्लिक करो, प्रॉब्लम में आ गए, सामान लेना है। ठीक है, ब्रांड मैच करना है, नहीं हो रहा है क्या? हुआ, स्कैन करो फटाक से। मम्मी को बोलो रिटर्न है, रिटर्न था जी। हाँ नहीं हो रहा है क्या? नहीं होगा तो इसमें क्लिक करो, प्रॉब्लम में जाओ, नहीं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैनुअल इंटर, ये जो ट्रैकिंग आईडी है उसको डालो उसमें एक एक करके।
देखना डालने के बाद क्या आ रहा है बताना, फिर क्या लेना है ना सामान इसमें लिखा रहता है। ठीक है देखो, जैसे लेना है साड़ी लेना है, अमाउंट भी लिखा है क्या लेना है, और इसमें फ़ोटो भी आ जाएगा, और फ़ोटो से मैच करना है, ब्रांड मैच करना है, सामान सही दे रहा है कि गलत दे रहा है उस पर ध्यान देना है। अगर गलत सामान ले गए फिर तुमको भरना पड़ जाएगा। देखो फोटो आ रहे हैं ना, बस अभी यही लेना है। कै पीस दिखा रहे हैं, देखो डैमेज लिखा है ना कि कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट मिला करके, पीस तो लिखा ही नहीं है। चलो अब जो दे देगा उसी को रिसीव करना पड़ जाएगा। और कभी कभी पिकअप में क्या होता है ना, फोटो नहीं आता, स्कैन करोगे डायरेक्ट स्कैन आ जाता है, तो उसमें कुछ भी दे, पत्थर भी देगा तो भी लेना पड़ेगा, कंपनी का रूल है। चलो डन करो, यस करो, फिर यस करो, स्वाइप स्वाइप आ रहा है ना, कर दो, करो स्कैन करने के बाद की नहीं, नहीं स्वाइप करो ना, फिर करो, हाँ हो गया। चलो पिकअप में अधिकतर लॉस आता है बता दे रहा हूँ, रिटर्न जैसे ले जाओगे ना कस्टमर का, इसमें लॉस आता है। अगर गलत सामान अगर कस्टमर दे दिया और तुम सही सामान समझ के डन कर दिए भरोसा करके, पहले इसमें लिखा रहता है क्या सामान है, फ़ोटो आता है, मैच करना है उसके बाद ही लेना है, ब्रांड भी मैच करना है। जैसे वन प्लस का तुम्हारा हेडफोन हो गया, कस्टमर दूसरा वन प्लस का दे रहा है लेकिन उसको नहीं लेना है, फ़ोटो आ गया इस हिसाब से देखना है, जेड कौन सा मॉडल है उसको भी चेक करना है। एक इधर से ले जाओ कुछ नहीं होगा, बस तुमको लॉस भरना पड़ जाएगा, कंपनी को बस कुछ मतलब नहीं है, सब कुछ लेना देना डिलीवरी बॉय से, कुछ भी होगा भाई गलती डिलीवरी बॉय का। और एक रिटर्न है, स्कैन करो उसको, क्या आ रहा है देखो, एक रिटर्न था, बोलिएगा रिटर्न है, अमेजोन से एक रिटर्न लेने के लिए आए हैं, बोलिएगा। देखो ये रहा ना सेम सामान, देखो फोटो में भी वही आ रहा है। ठीक चलो ऐसे लेना है मैच करके, ठीक है नहीं तो भाई लॉस भरना पड़ जाएगा। चलो चलो लिफ्ट से चलते हैं नीचे, बैग को गाड़ी के ऊपर रख दो, नाश्ता करके आते हैं फटाक से, भूख भी लगा है चल के। चलो भाई नाश्ता करके आ गया था, और ये वाला प्रोसेस जो है ना सीख लो एक्सचेंज, ठीक है एक्सचेंज पता है ना, कस्टमर को सामान देना है और कस्टमर से एक सामान लेना है वापस, और सामान जो है इसमें भी वेरीफाई, जैसे रिटर्न लिए थे ना वेरीफाई आता है, उसे एक्सचेंज में भी वेरीफाई आता है, किसी किसी में नहीं आता है। तो अब ये जो सामान जो दिख रहा है ना इसके अंदर वेरीफाई आ गया, पहले इसको स्कैन करो, पहले इसको स्कैन नहीं करते, देखो एक्सचेंज जो है ना वहाँ का भी एक पर्ची रहता है, ठीक है फिर से करो अराइविंग, फिर करो लोकेशन, देखो यहीं के दिखा रहा है अभी, ये नहीं देगा, नहीं देगा ये जो ट्रैकिंग आईडी है ना इसको नोट करो, डालो कहाँ पर डालो, कंफर्म करो, फिर से करो कंफर्म, और एक बार करो। देखो ये सामान जो दिख रहा है ना कुत्ता का बेल्ट होगा शायद ना, अभी कस्टमर देगा यही सामान रहेगा लिखा हुआ है तब जाके यस करना है, नहीं देगा ये सामान तो नो करना है, रिक्स इसमें भी है एक्सचेंज में, मोबाइल वगैरह आता है ना तो उसमें बहन कर रिक्स रहता है, थोड़ा सा भी टूटा फूटा रहेगा तो भाई, और मोबाइल वाला तो और भी ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है। जाओ वो वाला घर पूरा सीख लो आज, हर हर महादेव। मैडम वो एक रिटर्न था एक्सचेंज पार्सल, पार्सल एक्सचेंज था, हाँ एस करो, सबमिट करो, अब इसको स्कैन करो, दे दो सामान, डन कर दे, देखो देखो हाँ फिनिश करो। ठीक इसी तरह से मतलब एक्सचेंज पार्सल जितना भी आएगा ना ऐसे ही लेना है सामान देख के, गेट बंद कर दो। चलो भाई लास्ट पार्सल है उसको दूंगा तो ख़त्म आज का काम। भाई अभी भी टाइम है, जो समझ में नहीं आया है मेरे से पूछ लो, एक बार नहीं चार बार पांच बार, क्योंकि अकेला जाओगे तो भाई दिक्कत आएगा,
लेकिन मेरे रहते हुए दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी होगा भाई कॉल वॉल करना मेरे को। हाँ अभी तेरे को सिखाना है वो कस्टमर केयर में कैसे बात करना है, मेन काम तो बचा हुआ है। हाँ लास्ट पार्सल बचा हुआ है, लास्ट स्टॉप पे आ गए थे प्रीपेड पार्सल, आज का काम फिर ख़त्म। आ जाओ मैं घंटी बजा देता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे है यार घंटी, दे दो। चलो भैया जितना पार्सल लेकर के आया था ना पूरा ही ख़त्म। एकमात्र पार्सल जो है कस्टमर के घर जाने के बाद भी कस्टमर जो है कॉल रिसीव नहीं किए थे, ऊपर से घर से निकले भी नहीं थे कि घर में थे कि नहीं पता नहीं, चल ही नहीं रहा था। गेट 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 को बंद कर दो। हाँ चल भाई आज का काम जो है ना पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। कितना काम सीख गए हो? लगभग काम तो सीख ही गया हूँ बस। तो अभी जो है ना समस्या क्या आता है एक बार देखो, ऑनलाइन पे किए उसका पे दिखा नहीं रहा था, लेकिन जबकि कस्टमर का जो पैसा जो है कट गया था, लेकिन हम लोग ऐप में जो है शो नहीं कर रहा था। कभी कभी क्या होता है कस्टमर पे कर देते हैं लेकिन इसमें शो ही नहीं होता, आता ही नहीं, लटक जाता है पैसा। तो उस टाइम क्या ज़रूरत पड़ता है उस टाइम कस्टमर सर्विस को कॉल करोगे तब जाके वो प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है, ठीक है। कस्टमर सर्विस में कैसे कॉल करते हैं वो चीज़ तुमको दिखाता हूँ अभी, ऐप ओपन करो, जल्दी फाइन करो। ड्राइवर सपोर्ट दिख रहा है इनको, क्लिक करो फिर वहाँ पे कोई से भी एक तो क्लिक करो, आगे बस प्रोसेस करते जाना है। वहाँ से कोई से भी एक तो क्लिक करो, बिंदु लिखा है उसमें, हाँ कंफर्म करो, फिर उसमें ऑल उसमें बीच में हाँ करो, कॉल में नाव लिखा रहे पूरा सीख लो। कभी कभी कस्टमर सर्विस में भी बात करके अपना काम को जो है, देखो कॉल आ गया है ना, चलो रिसीव करो कॉल, स्पीकर पे डालो। हिंदी में जानकारी के लिए दो दवाएं बोलेंगे ना, एक कोड देगा, कोड दबाने के लिए बोलेगा ना, कुछ बोला कोड 482। हाँ 48। अब एक ना कस्टमर का कॉल बात कर रहे हैं, हो गया ना ऐसे ही कॉल आता है, थैंक यू सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ऐसे ही कॉल आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा उससे बात करना, ठीक है। चलो भाई पूरा काम ख़त्म करके जो है ना ऑफिस आ गया था, मतलब पहुंचने वाला हूं, और कल का लोड भी आ चुका है गाड़ी भर के भाई, एक गाड़ी पूरा पार्सल। चलो लेकर आओ, जो रिटर्न लेकर आए थे ना उसको रिटर्न कैसे जमा करते हैं वो भी सिखा देता हूं। इसमें है नहीं, उसमें होगा, लेकर उसमें होगा ना, उसको लेकर आ जाओ, और बैग में जो पार्सल है ना झूला में भर दो। चलो यार आ जाओ, लो आके लो भाई ये जमा करेगा, जल्दी लो, ट्रेनिंग में सबको सिखाना है ना, रिटर्न लेके आओगे तो जमा करना है कैसे। चलो ये वाला हाँ हाँ बांट लेगा पूरा, देखिए ट्रेनिंग में पूरा सिखा रहा हूँ, सब सीख गया, और RTS भी करवाना सिखा रहा हूँ, बात ना हो पाए अच्छे से बोलो बिना डरे बोलो, क्या होगा भाई क्या होगा भाई। अभी एक सबको मिलेगा भाई, चलो मिलते हैं कल, ठीक है भाई। कैसा लगा काम करके? एकदम मस्त लगा। तो कल से अकेला जाना है तुमको, और सर से बात हो गया, सर बोले कि चले जाना, ठीक है। अब कल डॉक्यूमेंट लेकर आऊँगा। हाँ कल डॉक्यूमेंट लेकर, हाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, पानी गिर गया। चलो ठीक है मिलते हैं फिर, जाओ खाना पीना खाओ,
यस करो, ठीक है। कहाँ मेरा भाई के यहीं पर मैं खोज रहा हूँ। चलो भाई चलते हैं, चलो उसको रख दो, हैप्पी बैग मिलता है कल।